भाई अनु के बारे में क्या बोलें, अनु के बारे में बोलना मतलब सूरज को चिराग दिखाना है। अनु बहुत ही हसीन और बहुत ही खूबसूरत औरत है, ये बात में कोई शक नहीं। अनु एकदम एकदम छिला हुआ अंडा है। एकदम भाभी जी खुश होई का? अनु अनु क्या कर रही हो, क्या तमाशा है यार ये? तमाशा मैं कर रही हूँ कि तमाशा तुम कर रहे हो? पूरे गली के लफंटरों के सामने तुमने मुझे छिला हुआ अंडा बोला और सब वाहवाही कर रहे थे, और तुम्हें पता है ना मुझे छिले हुए अंडे शब्द से कितनी नफरत है। I'm sorry. मैं सॉरी बोलता हूँ, और अब मैं तुम्हें सबके सामने छिला हुआ अंडा नहीं कहूंगा, बस जब भी कहूंगा अकेले में कहूंगा। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। महफिल का शुभारंभ जो है हम टिल्लू से करते हैं, हालांकि ये लौंडा निहायत ही बदतमीज है और बहुत ही बदजुबान है। ओ सेठ जी, कम से कम आज के दिन तो तमीज की कमीज में रहो, ये वो भी हमारी तनख्वाह की तरह डकार गए। अर्ज क्या है? वाह वाह। ओ भैये सुन तो ले, पहले से ही फुदक रही है। कोई मीत मेरे मन को दे दो, कोई गीत मेरे मन को दे दो, पानी सर से ऊपर जा रहा है। सेठ जी अब तो मेरी तनख्वाह दे दो। भाई क्या बात है, बहुत खूब भाई, क्या कहा टिल्लू भाई, तुमने क्या कहा है तिवारी जी के लिए, वाह बहुत खूब। अबे तुम शेर पढ़ रहे हो, तकाजा कर रहे हो? शेर में तकाजा लपेट के मार रही हूँ। हाँ तो अब मैं गुजारिश करूंगा कि अब भाभी जी अपने कुछ आशार पेश करें आपके सामने। भाभी जी जनाब पहले और लौंडों को निपटा ले, भाभी जी को बाद में। तू शुरू हो जा बेटा। जी क्राउड है आपका? क्राउड लेके आए आप मुशायरे के लिए? क्राउड है, सुन लीजिए। चल बेटा अब शेर पेश कर रहा हूं कि अपने गम की फटी चादर को आखिरकार कब तक यूं ही सिलेंगे, अब नहीं लगता कि दिल के बाग में खुशी के कोई फूल खिलेंगे। और टमाटर आज के आज ले लो, बहुत सस्ते हैं, वरना फिर कल नहीं मिलेंगे। क्या बात है, टमाटर आज ही ले लो, आज ही ले लो, मिलेंगे नहीं। अर्ज किया है कि मौज बन जाती है तूफान साहिल से टकराने के बाद। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने क्या गहरी बात की है, कमाल है। शुक्रिया। क्या बात है? वाह। मौज बन जाती है तूफान साहिल से टकराने के बाद। क्या? दो गोली सुबह, दो गोली शाम को, दो गोली रात में खाने के बाद। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन डॉक्टर साहब, वाह क्या अच्छा। चलिए भाभी जी अब हम महफिल को आगे बढ़ाते हैं और शमा सक्सेना जी की तरफ खिसकाते हैं। शमा कहाँ है? छोड़िए पढ़िए। हाँ तो भाइयों और भाभियों, आप सबको मेरा आदाब। अर्ज किया है? इलाहाबाद इलाहाबाद। भाभी जी इरशाद इरशाद। हाँ सही पकड़े हैं। तो अर्ज किया है, अजब सी हालत होती है तेरे जाने के बाद। क्या बात, अजब सी हालत होती है तेरे जाने के बाद, भूख नहीं लगती,
खाना खाने के बाद। अरे वाह क्या बात, अरे बहुत बेहतरीन, वाह 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 वाह, क्या सोच है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। रोज दो शौक लेता हूँ, एक तेरे आने के पहले, एक तेरे जाने के बाद। अरे वाह वाह क्या बात, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, भाई बहुत खूब, भाई बहुत खूब। मर बेहया मर बेहया, मरहबा होता है पगली। हाँ सही पकड़े हैं। तो अब हम दरोगा हप्पू जी से निवेदन करेंगे कि वो भी अपनी शायरी का पिटारा खोले। अरे सुनाएंगे सुनाएंगे, सब लोग अपनी खुजली मिटा रहे हैं तो हम मिटाएंगे। तो भाभी जी अर्ज कियो है। इरशाद इरशाद। कब तक तू अपनी फटी तकदीर से लेगो, वाह कब तक तू अपनी फटी किस्मत से लेगो, जो मुकद्दर में है वही तो मिलेगो। बहुत अच्छे भाई क्या बात है। तुमको चारों तरफ से पुलिस ने घेरे लिया है, इसलिए कोई आदमी अपनी जगह से नहीं हिलेगो। भाई वाह भाई वाह बहुत अच्छे। हप्पू सिंह जी हमें नहीं पता था कि आप इतने उम्दा शायर हैं। भाई वाह। अच्छा तो फिर पसंद आओ होए तो कछु निछावर करके दे दियो। ये आपकी सुई निछावर में क्यों अटकी रहती है हमेशा? बहरहाल अब आपको अपने मीठे लफ्जों से भाव विभोर करेगा आपका अपना शायर पीलू चौरसिया। शुरू करो ना। ये बचेगा बस नहीं, आई एम श्योर अच्छा कहेगा कुछ। देखो तो सही, बहुत भरा हुआ है इसके अंदर मामला। और तखल्लुस उनका अंगूरी मासूम है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने आशार की बारिश हम सब पे करें। तो भाभी जी यानी कि अंगूरी मासूम। अरे क्या बोले, हमको कुछ समझ में ना ही आया। अंगूरी जी आपसे कह रहे हैं कि अपना शेर सुनाइए। ठीक बात ठीक बात। मर्ज किया है भाभी जी, अर्ज किया है, अर्ज किया। सही पकड़े हैं। पतीली के ऊपर पतीली, पतीली के ऊपर पतीली, उके ऊपर एक और पतीली। वाह वाह भाभी जी वाह क्या खूब, पतीली के ऊपर पतीली, पतीली के ऊपर एक और पतीली, क्या बैलेंस है पतीली का, इट्स रियली गुड। अब आगे बढ़िए। अब पतीली के ऊपर पतीली, उके ऊपर एक और पतीली, उके ऊपर बैठे लड्डू के भैया, हम नीचे से चिल्लाए हदया हदया हदया। छोरे साले का हुआ लड्डू के भैया, आपको हमरा सेठ पसंद नहीं आया का? अंगूरी इस बार तुमने पतीली पर हमें ही बैठा दिया। क्या करें, हम तो सबको बिठा चुके थे, आप ही रह गए थे। क्या सॉरी सॉरी, चलिए ना बाहर घोस्ट सारे इंतजार कर रहे हैं। वो घोस्ट नहीं गेस्ट होता है। हाँ सही पकड़े हैं। जाओ का सोचेंगे वो, सोचने तो जो सोचना है तुम जाओ। आप ठीक हैं? चलो चल चल। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।